गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मियक्को। मैं आप सबका वेलकम हो गया। तो आप लोग कैसे हो कमेंट में बताना। आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। तो आप लोग पूछ रहे थे ना, मैं इसलिए अभी मतलब ये ब्लॉग बना रही हूँ स्पेशली मैट्रिक लोग तो मैं इसलिए स्पेशली ये ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे ना कि सिमल कौन है, क्या आप उसके फ्रेंड हो, मतलब आप लोग दोनों का क्या हुआ क्या नहीं। तो मैं यही बताने के लिए आज ये ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि सब क्लियर हो जाए। बस इच्छा तो नहीं थी बिल्कुल भी नहीं। मैं कुछ दिनों से बोल रही थी कि मैं बनाऊँगी बट बना नहीं पा रही थी। रीज़न यही था कि मैं नहीं चाहती थी बनाना। मैं नहीं चाहती थी जो उन लोगों ने किया वो मैं भी करूँ, मतलब उसने बताना ज़रूरी है यार सबको, इसलिए बहुत को ये पूछते हैं कि सिमल के साथ क्या हुआ। तो सिमल और हम दोस्त नहीं थे, हम लोग लवर ही थे। सोशल मीडिया पे ही मिले थे। हुआ कुछ नहीं था हम लोग का, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था। सिमल ने मेरे को प्रपोज किया था जब, तो मैं यही सोचती थी कि यार सब ने इसके साथ, मेरे को जहाँ तक बताया गया था कि उसके साथ गलत हुआ है, उसके साथ चीट किया है सब ने, मनीषा ने उसको छोड़ा। आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती। मैं जितना जानती हूँ जो मेरे को समझ लगा कि मनीषा ने उसको चीट किया, उसको छोड़ा है। तो यही लगता था जब उसने मेरे को प्रपोज किया तो मेरे को लगता था यार सब ने इसके साथ बोला था और मेरा भी कोई नहीं है, मैंने भी स्ट्रगल किया है। आप लोग जानते हो कि मम्मी पापा है नहीं, मेरे बहुत मेरा कोई भाई है ना बहन है, कोई बुआ की बेटी है भैया है, खुद का जो एक होता है मम्मी पापा से वो नहीं। तो मैं वही सोची उस टाइम कि वो अच्छा लड़का है, उसके साथ गलत हुआ और ये स्ट्रगल किया है, गरीबी से गुजरा है, हर चीज़ से गुजर ही रहा था। उस टाइम उसके पास कुछ था भी नहीं, जब मैं आई थी उसके पास कुछ भी नहीं था। तो जब उसने मेरे को प्रपोज किया तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी तो चलो मनीषा छोड़ी रानी, तो उसने मेरे को बताया कि वो मेरे से 2 महीने से बात नहीं कर रही, इग्नोर कर रही है, मेरे को नहीं लगता कि वो मेरे से प्यार करती है, ऐसे वैसे अब बात भी नहीं आती है मेरी, वो कॉल नहीं उठाती थी और मैं भी नहीं करती। तो मैंने उससे पूछा क्या तुम मेरे को कभी छोड़ोगे, तो उसने बोला नहीं पागल। तो मैं सोची चलो सही है, मैं बस इसलिए उसकी लाइफ में आई थी कि उसका सपोर्ट हो, वो बहुत आगे जाए। मेरे आने से शायद पता नहीं मैं यहाँ तक कि सोशल मीडिया में भी नहीं आना चाहती। उसी ने मेरे को फोर्स किया था आई डी बनाने के लिए, उसने दीदी है दोनों ने, मैं बनानी ही नहीं चाहती थी। मैं जब सोशल मीडिया पर आई थी उसके, मतलब जब मार्क्स पहन के आप लोग जानते ही हो गए, तब मैं फेस पूरा मतलब मार्क्स से फेस छुपा हुआ था, मैं फेस रिवील नहीं करना चाहती थी कि, और मतलब मैं डरती थी तब भी, हाँ तो मैं डरती थी कि कहीं छोड़ ना दे ऐसा वैसा, मतलब बहुत तरह का दिमाग में आता था। तो उसके बाद जब 1.5 महीना 2 महीना हो गया तो मेरे को उस पर ट्रस्ट हो गया। तो मैं यही चाहती थी कि वो आगे बढ़े, मैं आज तक उससे कुछ नहीं मांगी। वो उसने खुद, आप लोगों ने देखा भी होगा, उसने खुद बोला है कि मैंने अक्कू के साथ बुरा किया है। उसने तो ऐसा बोले कि छुपाया है, बट पता नहीं उसने क्या किया है वही जाने। मैं उसके बाद जब मेरे से बात होने लगी, सबका मतलब हम लोग का सब सही चल रहा था, ऐसा नहीं है कि झगड़ा वगड़ा, बस मैं काम पे रहती थी, उसको
काम पे रहती थी मैं, बात होती थी रात में होती थी, दिन में नहीं हो पाती थी। मेरी मेरे पापा तबीयत खराब हुआ उस दिन भी बात होती थी, मैं बहुत रोई थी जब फर्स्ट वीडियो बनाया था, रोने वाला पापा को लेकर। जब मैं पापा के पास जाती थी मैं बोल भी रही थी, मतलब मेंशन भी किया था मैंने कि जो पापा बहुत सीरियस है ऐसा वैसा, तो मैं उस दिन उससे बात भी करी थी, मैंने उसने भी बात करी थी उसके, मैंने उसको बताया भी, रो रो के, किसी को नहीं पता था उस टाइम, उसको पहले पता था कि पापा सीरियस, उसने मेरे को चुप भी करा। फिर मैं गई कुछ दिन वहाँ रही, पीछे पापा को लेके आई तो मैंने देखा अचानक से मैं ब्लॉक था। तो मैं जब देखी तो मैं दूसरी आईडी से जब गई देखी तो मैं मतलब शॉक्ड हो गई, उसने रानी के साथ ज्वाइन किया था। बुरा तो लगा बट उस टाइम पापा ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, तो मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, मैंने पूछा तक भी नहीं उससे। मैं सोची सब ठीक हो जाएगा, वो शायद कुछ बात हो, पहले मैं पापा को देखूँ फिर उससे बात करूँ। फिर कुछ दिन बाद देखती कि वो कंटिन्यू ऐसे चल रहा था, तो फिर मैंने एक दिन फोन भी किया, तुमने ऐसा क्यों किया? तो बोलता है हाँ, और एक बात, वो दो तीन बार पकड़ाया भी था, मैंने उसको बोला भी, बच्चे यार डराना करते हैं इनको, मैंने उसको बोला भी। जब फर्स्ट टाइम पकड़ाए थे तब मैंने फेस रिवील नहीं किया था शायद, तब वो फ़ोन करती थी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिमल करता था, क्योंकि वो नहीं करता था, वो ब्लॉक कर देता था, वो न्यू नंबर से करती थी, ठीक है। जब सिमल का पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, तब वो कॉल करने लगी, मैसेज करने लगी, मतलब कंटिन्यू सुनने के बाद भी। सिमल बोला भी बहुत बार कि मैं आपको के साथ रहता हूँ, मैं उसके साथ खुश हूँ, पता नहीं अब क्यों ऐसा बोल रहा है लाइव ब्लॉग में कि मैं आपको के साथ कंफर्टेबल नहीं फील करता था, लेकिन वो बोलता था। मेरे पास मैं नहीं बोलना चाहती, प्रूफ है, वो बोलता था, क्योंकि वो नहीं सुनती थी, बार बार करती थी, कंटिन्यूस करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा। मैंने फिर मैं जब जानती थी कि वही कॉल करती, ये नहीं करता, फिर भी मैंने इसको बोला कि अगर तू मेरे साथ खुश नहीं है, अगर तू मेरे साथ अच्छा फील नहीं करता तो तू अभी भी जा सकता, हम बोल देंगे कि हम लोग का सस्पेंशन था, हम लोग जस्ट फ्रेंड थे। ये बोलता था नहीं, तू मेरा बुरा वक्त में साथ दिए, हम तुमको नहीं छोड़ सकते, अदानी को बुरा वक्त में छोड़ के गए ऐसा। फिर मैं बोलना नहीं चाहती, बोलना भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा बोलने, तो ऐसा हुआ। तो वो बोलता था नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे नहीं करता, तुम देखती हो बार बार उधर से कॉल आता है, तो सच में वही करती थी, ये नहीं करता थी, ये हर नंबर ब्लॉक कर देती थी। पता नहीं इस बार क्या हुआ, मैं समझ ही नहीं पाई कुछ, मैं खुद शॉक, ऐसा कैसे हो गया। तो मैं जब उसने मेरे को ऐसा बोला, मतलब मैं बोलता था ना तो मेरे को अच्छा फील होता था, चलो मैं को ये यहाँ तक ये बोलता था कि तुम मेरे से कुछ लेती क्यों नहीं, मेरा पेमेंट आया तो मतलब कुछ भी नहीं, एक वो जो मैंने एक क्वीन वाला लॉकेट बीच में पहनी थी वो मैंने ले लिया था, 24 घंटे दोनों भाई बहन ने मेरे को सुनाया था, पता है कि तुम 100 रुपये वाला मतलब 100 रुपीज़ का था, वो नहीं ले सकी मेरे पैसे से, ऐसा नहीं ले नहीं नहीं पूछ। मैं बस यही चाहती थी कि वो
यहाँ तक हम सोचते थे कि मैं जॉब करती हूँ, आप लोगों को असिस्टेंट का, तो मैं सोचती थी कि मतलब सॉरी मतलब थोड़ा परेशान हो गई थी। तो मतलब जब उसने ऐसा बोलता था अच्छा लगता था, तो वो मैं लड़ता था मेरे से कि मेरे पैसे, मैं ये चाहती थी कि हम कमाते वो कमाता, वो जो भी कमाता वो मम्मी को दे, घर का अपना मम्मा मेरे को बार बार क्या माफ करना पड़ा, बच्चे लोग आ जाए। तो मतलब मैं चाहती थी कि दोनों कमाएं, जब मैं बोलती भी थी कि हम कमाएंगे, सेविंग्स करेंगे, उसके बाद दोनों मिलकर एक छोटा सा घर बनाएंगे। मतलब बहुत कुछ ड्रीम था मेरा, हम पढ़ेंगे लिखेंगे सब कुछ। मतलब मेरा क्या सोच था कि हम अभी मतलब नहीं, हम वो बोलते थे घर पे रहने, बट मैं बोलती थी नहीं अभी नहीं रह सकती मैं, क्योंकि मेरे को अपने गोल पे फोकस करना, छोड़ के चला गया अभी वो खुद से। हाँ मैंने बताया ना, मेरी कोई गलती नहीं थी, वो खुद भी बोलते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं। अगर आप लोग को जिसने नहीं देखा उसका ब्लॉग जाके देखो, मेरा मैटर में 9 मिनट कुछ सेकंड में बोला है, आप देखना कि आपको ने मेरे साथ गलत नहीं किया। मैं करना भी नहीं चाहती, मैं उसको दुखी नहीं देख पाती थी, वो रोता था तो मैं खुद रो जाती थी, मतलब मैं उसको यूज़ नहीं करती, सोचा भी नहीं था कभी मैं उसको यूज़ करने का। मैं ये वीडियो तक नहीं बनाना चाहती थी कि कहीं उसको नहीं करते बुरा लगेगा, लेकिन यार तो चलो यार छोड़ो, सब कुछ ऐसा सोचती थी मैं उससे, मतलब मैं प्यार करती थी यार उससे, मजाक नहीं था हमारा। फिर जब मेरे को वो देखा मैंने, मैं रिएक्ट नहीं की, मेरे को बुरा नहीं लगा कि वो रानी के पास गया मेरे को छोड़ के, कोई बात नहीं। शायद पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो अच्छे टाइम पे गए, कोई देखती नहीं थी। हाँ मैंने उसके लिए सब कुछ जरूर छोड़ा, लेकिन सबके लिए उसको कभी छोड़ने का ना सोचा था ना छोड़ी थी। मैं सब चाहती थी बस वो खुश रहे मेरे रहते, वो कभी दुख नहीं हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती। शायद मैं उसके लायक नहीं थी, मैं मजाक उड़ाना नहीं चाहती उसका। कभी कभी गुस्से में कुछ कुछ कमेंट कर देती हूँ, कुछ कुछ बोल देती हूँ, बुरा लगता है बाद में, ऐसा क्यों बोल रहे नहीं बोलना चाहिए। और अब सच में मेरे को उसको लेकर प्यार नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो उस टाइम छोड़ के गया था जिस टाइम मेरे को उसकी बहुत ज़्यादा मेरे को पैसे से नहीं हेल्प करता, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने मेरे को तो वो देखने तक नहीं आया, पूछा तक नहीं, जबकि उसको सबसे पहले से पता था कि पापा क्या हुआ क्या नहीं कैसे सब कुछ, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बैटरी लो हो रहा, बस इतना ही बात था कि मेरा और अब मेरा और उसके बीच में कुछ भी नहीं है, जो है रानी से है, रानी से था नहीं है रानी से। तो मैं यही आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अब उसके बारे में मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं कीजिएगा। मैं उसका कोई क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, और एक
और एक रिक्वेस्ट है रजनी दीदी से, जब मेरा और उसका कोई रिलेशन रहा ही नहीं, जब अब कोई मतलब ही नहीं रहा हम दोनों का, मेरा और मन का, तो मैं चाहती हूँ कि बस रजनी दी अब मेरा वीडियो डिलीट कर दे, जो अपने साथ का रखे बट मेरा उसका जो था वो डिलीट कर दे, उसका कोई मतलब नहीं है, और रहे और मेरी भी आगे की लाइफ है यार, उसको बर्बाद ना करो प्लीज। और एक चीज़ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है गाइस, मेरी यूट्यूब फैमिली, इंस्टा फैमिली, कि आपको जो बोलना है, गाली देना है, क्या करना है, डोंट केयर आप किसको दे रहे हो, बट रजनी दीदी के बच्चों को, उसके पति को मत दो। उसका हस्बैंड है, मैंने देखा है, वो कैमरा में नहीं आते लेकिन कभी ना कभी ज़रूर आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों को और उनको मत दो यार, उसकी भी लाइफ है, हम दूसरों की गलती किसी और को क्यों, मतलब दूसरों की गलती की सजा किसी और को क्यों दें। मेरे को सच में दिल से बुरा लगता है, वो लोग अभी छोटे हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता है यार। रिक्वेस्ट उन लोगों को कुछ ना बोलो आप लोग प्लीज। और एक बात जो रजनी दीदी बोली थी, बोली थी ना, नहीं सॉरी, सब बोलते हैं कि तुम उससे बात करती हो रजनी से, ऐसा नहीं है, मैं खुद शॉक्ड थी जब रजनी दी मेरी बुराई की थी, मतलब आप जाके अक्कू को कमेंट करो, कुछ बुराई नहीं की थी। और जब वो रानी के बारे में बोली कि ये बहू है वो दोस्त थी, मेरे को बहुत बुरा लगा था रियलिटी में, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा ऐसा भी तो हो सकता है यार कि उसको बोलना पड़ रहा हो ऐसा, मैं अच्छी हूँ बुरी हूँ उसकी तो नहीं होना, उसका तो है जो सिमल है ना, तो मेरे उससे ज़्यादा मेरे को प्यार नहीं दे सकते ना, उसकी मजबूरी है ये। फिर बाद में वो सैड होके ये भी बोली आपको कैसी है कैसी नहीं, यहाँ तक कि अब खुलेआम सब कुछ बोलती है, क्योंकि उसको फील हुआ वो गलती कि वो मेरे को खुद बोली है कि मेरे को फील हुआ। और सही बोलूँ तो रजनी दी की क्या गलती है, गलती तो उसकी है सिमर की, तो उसको कोई कुछ मत बोलो। बस हम लोग का इतना ही था कि मेरा और सिमर का कुछ जो है रानी से है, तो रानी को जाके कमेंट करें, सिमर को कमेंट करें, इंस्टा पे नहीं हो रहा यूट्यूब पे, बोलूँगी। सॉरी गाइज, उस टाइम मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था और सुबह से लाइट नहीं थी तो मेरा अचानक से चला गया, अभी शाम हो गया तो मैं आई लाइव, मतलब सॉरी व्लॉग में, तो कुछ बातें रह गई हैं जो मुझे अभी याद आई, मतलब याद थी बट फ़ोन मेरा ऑफ हो गया था, तो बताना ज़रूरी समझती हूँ कि जब मैं, चलो रानी एक साल का प्यार है मानती हूँ मैं लेकिन जब मैं आई तब वो कहाँ थी, जब सिमल का पेमेंट आया, सिल्वर बटन आया, तब क्यों आई वो, उतने दिन क्यों नहीं उसको याद आई उसकी, जब उसके पास कुछ नहीं था तब क्यों नहीं थी वो उसके साथ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता अब है नहीं है, अच्छा हुआ, छोड़ो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, ठीक है, मैं इतना ही बोलूँगी कि आप मेरे से कोई क्वेश्चन मत करना प्लीज़, मैंने उसे नहीं छोड़ा, उसने मुझे छोड़ा है, हर बार लड़की गलत नहीं होती है, लड़की इसका मतलब ये नहीं कि लड़की धोखा देती, उसने खुद कहा है कि मैंने उसको धोखा नहीं दिया और ना ही उसने खुद मेरे साथ चीट किया है, बहुत बड़ा गेम किया, फीलिंग्स हर्ट की है, बोलते नहीं हैं बिलीव इन कर्मा, दिखेगा, बोलते नहीं हैं बिलीव इन कर्मा, दिखेगा, डोंट वरी। और मैं यही बोलूँगी कि
मेरे को हाँ एक ही चीज़ का बुरा लगा था गुड्डू दीदी से, मतलब रजनी दीदी से, कि वो पापा का ऐसा हुआ तो नहीं आई थी। मेरे को भी हर्ट हुआ था, लेकिन अब जो होना था तो वो हो ही गया ना। बुरा तो मुझे भी बहुत लगा था, मैं बहुत रोई भी थी, और जब मैं उनका ब्लॉग देखी तब भी बहुत रोई थी कि उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा था कि वो दोस्त हैं। बुरा लगा था, आई नो उनसे करवाया गया है, वो नहीं बोल सकती ऐसा। तो मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी रजनी दीदी से, और आप लोग भी करें, कि जिस चीज़ का कोई मतलब नहीं है वो चीज़ को रख के कोई फ़ायदा नहीं है। रो रो के आज मेरा हालत देख रो फेस, मैं याद नहीं करना चाहती यार कुछ भी, बट आप लोग ऐसा क्यों करते हो पता नहीं, शायद अब समझ जाओ और ऐसा कुछ भी ना करो कि मुझे हर्ट हो। देखो अब कोई नहीं है मेरा, और सिमल नहीं है, अब मेरा कोई नहीं होगा, तो अब मेरे से उसके बारे में कुछ मत पूछना प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। मैं रोती हूँ तो अच्छा भी नहीं लगता आप लोगों को, और अगर हंसती हूँ तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन कर देते हो कि रोना पड़ जाता है। मैं रोना नहीं चाहती हूँ, उनकी रिक्वेस्ट है कि बस अब मैं रजनी दीदी प्लीज़ मेरा उसके साथ जितना ब्लॉग है वो डिलीट कर दो, उसका कोई मतलब नहीं फालतू में, एक तो बदनामी हो चुकी है मेरी बहुत, और उससे और ज़्यादा हो रहे हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है उसकी। क्या है उसको, क्या उसको तो आदत हो गई है लड़कियों को चेंज करना, फितरत। मैं फेस रिवील भी निकालना चाहती थी उसके लिए, उसकी खुशी के लिए किया था मैंने, क्योंकि उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने बोला था देख ऐसे अगर रहता ना और तू छोड़ता तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर मैं सोशल मीडिया पे आई और छोड़ दिया ना तो फिर मैं लड़की हूँ यार, लड़का नहीं। और मैं और भी सबको बोलती हूँ कि कभी किसी की फीलिंग्स को हर्ट मत करना यार, वो जितना रोएगी या रोएगा वो आपको लगेगा। मैंने उसके वजह से बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ, अभी धीरे धीरे सबसे बात हो रही है, सब कुछ ख़त्म हो गया था। और कुछ नहीं बोलना चाहती मैं उसके बारे में, सोशल मीडिया पे मिले थे, प्यार था दोस्ती नहीं था, बहुत ज़्यादा था, शायद वन साइड लव बोलते वो था, मेरे को क्या पता था, मैं यूज़ हो रही हूँ, बोलते नहीं लड़कियाँ सॉफ्ट हार्टेड होती है उसी चीज़। बस अब इतना ही चाहती हूँ कि गाइस प्लीज़ अपन करो, अब मत पूछो उसके बारे में, हर्ट होता है यार, पहले से ही भगवान ने मेरे साथ मजाक मैं तो पहले से ही मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक कर दिया है, अब आप लोग मत करो ऐसा। चलो अब बाय, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखना, और अगेन थैंक यू जो मेरे को इतना सपोर्ट करते हो आप लोग। मेरा इच्छा है कि मैं अब काम छोड़ के पढ़ाई पे फोकस करूँ, बट देखते हैं क्या होता है, थक गई हूँ मैं भी बहुत बहुत ज़्यादा। चलो बाय, ख्याल रखना अपना, आज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कुछ नहीं बोलूँगी मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करने आई थी ना कि ब्लॉग बनाने। अब कोई भी क्वेश्चन हो तो उससे पूछना, पता नहीं सच बोलेगा झूठ, मैं को लगता था वो झूठ बोल ही नहीं सकता, बट ऐसा नहीं है, वो बहुत बड़ा झूठा है, बहुत बड़ा। बाय।